हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस के जो पीटी थी 65 का मैगजीन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 का है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये इनका लेटेस्ट मैगजीन है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो। सो इससे पहले मैंने साइंस एंड टेक का भी डाला है, इसी चैनल पर अपलोड किया है, उसकी प्लेलिस्ट डाली है। साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर का फिनिश हुआ है, और एनवायरनमेंट का भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, नियर अबाउट 7 के आसपास, ठीक है। पार्ट 5 डाले हैं, 5 पार्ट डाले हैं मैंने, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जाकर एक बार चेक कीजिए प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। सो यूपीएससी परसिवरेंस 91, सो वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे मैं लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, प्लेलिस्ट भी वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ, और पीडीएफ्स वगैरह। आपको कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, सजेशन वगैरह दे सकते हो। और सो आपको जो भी मतलब कुछ डिमांड होंगे आपकी, जो भी आपके सजेशन होंगे वो मैं फिर आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है। सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप टेबल्स ऑफ कंटेंट में यहाँ पे दिया है इंडिया एंड इट्स नेम्बर्स, इसके अलग अलग पार्ट में यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो ऐसा मुझे लगता है कि जब मैं पार्ट 1 करता हूँ, सो पार्ट 1 बहुत सारे लोग देखते हैं, बट जो पार्ट 2 होता है, पार्ट 3 वगैरह होता है, सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ पर है, सो वो प्लेलिस्ट में होता है ना। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह, सो आपको पूरे पार्ट देखना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, और मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये और ये जो मैगजीन होती है ना PT365, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ आप देखिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। सभी न्यूज़ में था, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा था, आपको पता होगा, लैक के पास में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है। सो यहाँ पे ये डिस्प्यूट क्यों चल रहा था, क्योंकि क्या हुआ है बताएं क्या, कि जो बॉर्डर है ना ऊपर में, जो जम्मू कश्मीर का, एक मिनट, ऐसा जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, सो यहाँ पे POK है इस साइड में, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। आज़ाद हिंद, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर करके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अक्साई चीन है, ठीक है, और यहाँ पे सेचन ग्लेशियर है, और यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था अभी इस 2020 में प्रीलिम्स में, ठीक है। सो ये जो बाउंड्री है ना, लैक लाइन, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। सो इसी वजह से मतलब वो प्रॉब्लम्स होती है क्रिएट, मतलब कभी चाइना अंदर आ जाता है, कभी इंडिया उनकी तरफ चले जाता है, सो झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो लॉन्ग, कितनी किलोमीटर लंबी है ये, नियर अबाउट 3400 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे चाइनीज़ कंसिडर करता है ओनली 2000, सो यहाँ पे ये डिवाइड है अलग अलग सेक्टर में, वेस्टर्न है, मिडल है एंड ईस्टर्न सेक्टर में है। सो ये बाउंड्री डिस्प्यूट वेस्टर्न सेक्टर में, अभी लद्दाख में था, पर्टेंस टू जॉनसन लाइन, जो प्रपोज की गई थी ब्रिटिश इंडिया 1860 में, और एक्सटेंड कर हुई थी अप टू द कुंदलुन माउंटेन एंड टू पुट अक्साई चीन इन देयर प्रिंसली स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद में इंडिया यूज़ करता है जॉनसन लाइन को, सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया यूज़ करता है जॉनसन लाइन को, क्लेम करता है अक्साई चीन एज इट्स ओन, ठीक है, इंडिया का है, और जो चाइना है रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंस्टेड एक्सेप्ट करता है चाइना मैकडोनल्ड लाइन को, ठीक है। सो ये मैकडोनल्ड लाइन को चाइना एक्सेप्ट करता है और पुट्स अक्साई चीन अंडर इट्स कंट्रोल, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैप में दिया है चाइना एंड इट्स इंडियाज डिस्प्यूटेड बॉर्डर, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर डेप्सांग है, गलवान वैली में अभी इंसिडेंट हुआ था, हॉट स्प्रिंग के पास में सबसे नीचे। सो आपको पूछा जा सकता है कि ये नॉर्थ से साउथ, या फिर साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, ऐसे पूछा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए ये दफसांग है, फिर गलवान वैली आती है, फिर हॉट स्प्रिंग आता है, और सबसे नीचे यहाँ पे पेंगोंग सो, ठीक है, या फिर चुमुर वैली है। और ये बॉर्डर के बारे में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसके आसपास में, लेक से, ग्लेशियर से, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो मिडल सेक्टर होता है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के, इसमें आता है ये डिस्प्यूट है यहाँ पे
इज़ अ माइनर वन। और यहाँ पे जो लैक है लिस्ट कंट्रोवर्सियल है एक्सेप्ट द प्रीमाइस अलाइनमेंट टू बी फॉलोड इन द बरहोती प्लेन्स। इंडिया चाइना ने यहाँ पे एक्सचेंज किया है मैप विच दे ब्रॉडली एग्री करते हैं, बट ऐसा नहीं है। और मतलब ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और ही है। चाइना मतलब हर बार ब्रेक करता है जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती है, ठीक है। जो डिस्प्यूट बाउंड्री इन द ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यानी सिक्किम आता है, इज़ ओवर द मैकमोहन लाइन पे आता है, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया था 1914 में। और जो मीटिंग है ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाइना इंडिया तिब्बत इन शिमला में हुई थी। जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव है एट द मीटिंग इनिशिएट किया गया था द एग्रीमेंट, दे सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज़ करता है इसको। और जो था तवांग ट्रैक्ट क्लेम किया गया था बाय द चाइना वॉज टेकन ओवर बाय द इंडिया इन 1951 को। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया चाइना वाटर रिलेशन, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। क्योंकि चाइना प्लान कर रहा है बिल्ड रन ऑफ द रिवर डैम जो यारलुंग जांगपो जो है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, जिसे सियांग भी बोलते हैं इन चाइना में, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, यारलुंग जांगपो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे डिबेट है इंडिया चाइना वाटर रिलेशन के बीच में, मतलब चाइना क्या करता है कंट्रोल करता है जो भी मतलब ऊपर से जो अपर साइड में जो रिवर्स होती है उन पे बहुत सारे उन्होंने डैम मतलब एस्टेब्लिश किए क्रिएट किए हैं ना। सो पानी रोकता है समटाइम्स, मतलब ज़्यादा छोड़ता है। सो उससे क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ब्रह्मपुत्र ज़्यादा फ्लड आती है और डिवेस्टेटिंग कंडीशन होती है ना, वो सारा लॉस होता है। सो ये मतलब डिस्प्यूट चलते रहता है वाटर रिलेशनशिप हमारे चाइना के साथ में, इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप। और जो यारलुंग जांगपो है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, जिसे सियांग बोलते हैं चाइना में। और यारलुंग जांगपो रिवर ओरिजिनेट हुई है इन लुनपो गंगरी ग्लेशियर में, नॉर्थ वेस्ट टिबेटन प्लेटू में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है, वेयर बाय द नेचुरल फ्लो एंड द एलिवेशन ड्रॉप ऑफ द रिवर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद में यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप का, ट्रांस बाउंड्री रिवर जो फ्लो होती है फ्रॉम द चाइना टू इंडिया फॉल इनटू द टू मेन ग्रुप्स, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में गिरती है एंड इंडस रिवर सिस्टम में आती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ऑन ईस्टर्न साइड में कंसिस्ट ऑफ द रिवर सियांग, जहाँ पे मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सुबनसिरी एंड लोहित है। और सेकंड क्या है इंडस रिवर सिस्टम ऑन द वेस्टर्न साइड कंसिस्ट ऑफ द रिवर इंडस एंड द रिवर सतलज इसमें है, ठीक है। सो ये मैप आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तिब्बतन प्लेटू। सो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे यारलुंग सांगपो बोलते हैं, फिर हमारे इंडिया में आते हैं उसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ये इंडिया की कुछ नदी पता होनी चाहिए, इंडस सतलज कहाँ पे बहता है। और यहाँ पे जो इरावडी रिवर से भी क्वेश्चन पूछा था है ना, यांगजे योलो रिवर और ये मेकोंग रिवर कहाँ से बहती है, कौन कौन से कंट्री से बहती है, ये आपको बताना चाहिए थोड़ा बहुत रिवर सिस्टम। सो ये मैपिंग का मैं लाऊंगा यहाँ पे इनिशिएटिव, मैपिंग से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, रिवर से रिलेटेड मैपिंग स्ट्री सी स्ट्रेट या फिर कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ जो भी न्यूज़ में आते हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोज़ लाऊंगा जल्दी से जल्दी, अगर ये PT365 कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में। रिवर सिस्टम इन टिबेट टिबेटन प्लेटू, ये ऑफन इसे थर्ड पोल भी बोलते हैं, ओविंग टू इट्स ग्लेशियल एक्सपांसेस एंड वास्ट रिजर्व्स फॉर द फ्रेश वाटर फ्लो करता है, कैन बी साइटेड एज अ की फीचर ऑफ द सिस्टम। ये सोर्स है सेवन साउथ एशिया राजेस रिवर का, जिसमें इंडस है गंगेज है ब्रह्मपुत्र इरावडी है एंड सालवीन है यांगजे एंड मेकोंग है। सो आपको पता होना चाहिए साउथ एशिया लार्जेस्ट रिवर है इंडस गंगेज ब्रह्मपुत्र इरावडी और सालवीन यांगजे एंड मेकोंग। और यहाँ पे ये सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती है इनटू पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश म्यांमार लाओस वियतनाम, ये फॉर्म करता है लार्जेस्ट रिवर रन ऑफ फॉर फ्रॉम एनी लोकेशन, ठीक है, एनी सिंगल लोकेशन से। और ये एस्टिमेट करता है अबाउट 718 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ द सरफेस वाटर फ्लो आउट ऑफ द तिब्बतन प्लेटू एंड द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जिनजियांग एंड इनर मंगोलिया टू द नेबर कंट्रीज ईच ईयर। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सिक्योरिटी लॉ हांगकांग का, ठीक है, वो अभी न्यूज़ में था क्योंकि चाइना ने चाइना जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है चाइना का अप्रूव किया है यहाँ पे हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम, ये चाइना और हांगकांग से रिलेटेड है, ठीक है। और वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी ओरिजिनली प्रपोज की गई थी टू यूनिफाई द चाइना एंड ताइवान, ठीक है।
और विच वॉज रिजेक्टेड बाय द ताइवान एंड द आइडिया सरफेस वेन. सो ये चाइना एंड ताइवान से रिलेटेड है, ठीक है. वन कंट्री टू सिस्टम, जो ताइवान है रिपब्लिक ऑफ चाइना है एंड चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना जिसे बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जो आइडिया है रिसर्फेस हुआ था व्हेन द चाइना स्टार्टेड टॉक्स विद ब्रिटेन एंड पुर्तगाल और वो वेयर रनिंग हांगकांग एंड मकाओ रिस्पेक्टिवली एज अ कॉलोनी. जो अंडर OCTS वन कंट्री टू सिस्टम चाइना है प्रपोज किया गया था, हांगकांग एंड मकाओ कैन हैव द डिफरेंट इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ द चाइना. मतलब यहाँ पे हांगकांग में अलग रूल्स होते हैं, अलग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पे, बट चाइना अभी उसको इस लॉ के अंदर में लाना चाहता है, ठीक है. जो हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, ठीक है, उसके अंडर में हांगकांग रिटर्न टू द चाइना कंट्रोल इन 1997 को यहाँ पे, और जो मकाऊ है सॉवरेनिटी वॉज ट्रांसफर इन 1999 में, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे जो दोनों ही रीजन है बिकम द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ऑफ द चाइना विद देयर ओन करेंसी इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम, बट जो डिफेंस है एंड फॉरेन है डिसाइड किया जाते हैं बाय द चाइना द्वारा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हांगकांग को फ्रीडम है असेंबली एंड स्पीच एंड सम डेमोक्रेटिक राइट्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द मेनलैंड चाइना में. जो फ्रीडम है प्रोटेक्ट किया जाते हैं बाय द बेसिक लॉ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट गाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन द हांगकांग एंड चाइना. जो बेसिक लॉ वैलिडिटी था इसका 15 ईयर्स टिल 2047 तक फॉर द हांगकांग एंड 2049 तक मकाओ को, बट इट इज़ अनक्लियर वॉट विल हैपन आफ्टर दिस टर्म. सो ये क्लियर नहीं था. सो अभी तक उससे पहले ही मतलब चाइना ने ये लॉ अप्रूव कर दिया. उसके बाद में यहाँ पे बेसिक लॉ कैन बी अमेंडेड विद द 2/3 मेजोरिटी इन द हांगकांग लेजिस्लेचर जिसे लेगको बोलते हैं, लेगको, ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेगको, समटाइम्स आपको पूछा जा सकता है. सो ये मैप है, यहाँ पे चाइना, हांगकांग, मकाओ, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, सो अलग अलग ये लोकेशन दिया है, आपको पता होना चाहिए मतलब कौन सा कंट्री कहाँ पे आता है. एंड सी दिए यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी के बारे में. सो आपको पता होना चाहिए, एक बार आप मैप देख लीजिए अच्छे से. और यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट के बारे में. अभी न्यूज़ में था रिसेंटली US सीनेट ने पास किया है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट TPSA जिसे बोलते हैं 2020 का, आउटलाइनिंग द यूनाइटेड स्टेट पॉलिसी ऑन तिब्बत. तिब्बत पे ये पास किया है US द्वारा, US सीनेट द्वारा. सो TPSA क्या है, एड्रेसेस द टिबेटन ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को, मतलब ये एड्रेस करता है. और ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन एज द लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टिबेटन पीपल के लिए. और ये इट विल पेव द वे फॉर द US गवर्नमेंट टू इशू द इकोनॉमिक एंड वीज़ा सेंक्शन लगाए जाते हैं अगेंस्ट एनी चाइनीज ऑफिशियल वो इंटरफेयर विद द सक्सेशन ऑफ द दलाई लामा. तो TPCA इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू क्यू प्रोविजन जिसका एम है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज ऑन द टिबेटन प्लेटू. इन एडिशन इट्स कॉल्स फॉर द ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू मॉनिटर एंड एनवायरमेंट ऑन तिब्बतन प्लेटू. जियोस्टैटिक एंड जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस तिब्बत का. तिब्बत वर्ल्ड्स हाइस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू है कवरिंग द एनी एरिया 2.5 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर विद द एवरेज ऑफ द एलिवेशन ऑफ मोर देन 4000 मीटर अबोव द सी लेवल. जो एंटायर सदर्न जो रिम है इज अ फ्लैंक बाय द हिमालय एंड जो वर्ल्ड हाइस्ट माउंटेन चेन है यहाँ पे द लैंड मास कॉन्स्टिट्यूट करता है अ फॉर्मिडेबल बफर बैरियर करता है फॉर एनी पावर ऑपरेटिंग बियॉन्ड द टिबेट. एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है टिबेट अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इट प्ले अ मेजर रोल इन द आसियान मानसून एंड होल्ड करता है लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द टू पोल्स. फीड करता है 10 मेजर रिवर सिस्टम दैट सस्टेन द बिलियंस डाउनस्ट्रीम. जो डाउनस्ट्रीम नीचे जो लोग रहते हैं उनको ये डिपेंड है इस पर जो रिवर्स फ्लो करती है 10 मेजर रिवर्स फ्लो करती है इस प्लेटू से. तिब्बत ऑलवेज बिन प्लेस फॉर द जियो स्ट्रेटेजिक प्रोमिनेंस है इन द आइज ऑफ द रीजनल एज वेल एज सुपर पावर्स के लिए. अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, ब्रिटिश इंडिया अडॉप्ट किया था इट्स फॉरवर्ड पॉलिसी टूवर्ड द तिब्बत फॉर एक्सपांडिंग हर मार्केट एंड टू एस्टेब्लिश द टिबेट बफर जो अगेंस्ट द जारिस्ट रशिया थ्रेट टू द इंडिया. मतलब ये बफर का काम करते था, है ना, चाइना और हमारे बीच में. अगर तिब्बत रहता तो डायरेक्ट मतलब बाउंड्री शेयर नहीं होती हमारे चाइना के साथ में.
बट अभी है अनफॉर्चुनेटली चाइना क्योंकि जो पंडित नेहरू ने मतलब जो थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मतलब रिकॉग्नाइज किया था मतलब चाइना की अथॉरिटी को तिब्बत पे है ऐसा, इसलिए सो ऐसा हिस्ट्री में दिया है। सो चाइना कंसिडर करता है तिब्बत एज अ पाम एंड लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश एज अ फाइव फिंगर। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, चाइना कंसिडर करता है तिब्बत एज अ पाम, जो लद्दाख है, नेपाल है, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश एज अ फाइव फिंगर, मतलब तिब्बत के ये पांच फिंगर हैं, ठीक है, जैसे हाथ के होते हैं पंजे के। उसके बाद में जो इनकम्बेंट एंड 14th दलाई लामा जो है लिविंग इन एग्जाइल इंडिया में है सिंस तिब्बत वाज ऑक्यूपाइड किया गया चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा 1950-51 में, और इट हैज़ बीन द लीडिंग द मूवमेंट फॉर द जेन्युइन ऑटोनॉमी फॉर द तिब्बत एंड तिब्बतंस के लिए। उसके बाद में इंडिया ताइवान से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ में था। सो इंडिया ताइवान के बारे में टू इंडियंस एमपी जे फॉर द फर्स्ट टाइम वर्चुअली अटेंड किया द स्वेयरिंग सेरेमनी फॉर द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ताइवान के। इंडिया ताइवान रिलेशनशिप यहाँ पे बैकग्राउंड ये है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बायलेटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड ताइवान मतलब हुए थे एग्जिस्ट वेन इन 1950 इंडिया अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेड डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन मिला था टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना पीआरसी को उस टाइम पे, और ये सीज किए गए थे मतलब बंद हुए थे, ठीक है। मतलब ताइवान को जो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्री द्वारा, ठीक है, बट इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। सो मतलब डायरेक्टली नहीं करता है बट इनडायरेक्टली मतलब वहाँ पे रिलेशनशिप है हमारा। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंफॉर्मल टाइज है बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड ताइवान रिमेन रिमोट एज ताइवान ज्वाइन किया था द यूएस लेड ब्लॉक एंड इंडिया नॉन अलाइनमेंट को किया था, ठीक है। सो दिस चेंज इन द 1990s मतलब चेंज हुआ वेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया री ओरिएंटेड इंडियाज पॉलिसी टूवर्ड्स ताइवान, मतलब 1919 में ये चेंज हुआ थोड़ा, ठीक है। इन द फेस ऑफ द इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द पॉलिसी फॉरन पॉलिसी चैलेंजेस इंडिया एंड ताइवान ने सेटअप किया अनऑफिशियल रिलेशनशिप किया था 1995 में विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया ताइपाई एसोसिएशन ITI जिसे बोलते हैं ITA इन ताइपाई कैपिटल ऑफ ताइवान अनऑफिशियल रिलेशनशिप किया था 1995 में। और ये ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है TCCC फाउंड हुआ था 1995 में इन ताइवान गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोटिंग बायोलेटरल रिलेशनशिप इन द एरियाज ऑफ द इकोनॉमी ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड मीडिया टूरिज्म एंड कल्चर एस्टेट्स इकोनॉमी ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीडिया टूरिज्म कल्चर एट्सेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे जो इंडिया डज नॉट एनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद द ताइवान के साथ में, नॉर डज इट रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है बट रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है ताइवान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री स्टिल अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है एंड ताइवान न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी NSP इसके बारे में दिया है। ताइवान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है एंड इंटरेस्टेड है इन डाइवर्सिफाइंग ट्रेडिशनल टारगेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेकिंग इट अ नेचुरल कोलैबोरेटर फॉर द इंडिया अंडर द EEP। ताइवान ने लॉन्च किया था NSP जो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी जिसे बोलते हैं साउथ बाउंड पॉलिसी NSP 2016 में, मार्क थर्ड फेज ऑफ द 1994 एंड गो साउथ पॉलिसी। इसका एम है टू री इनविगोरेट एंड एक्सपांड द ताइवान टाइज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड मूव अवे फ्रॉम द चाइना। और इंडिया वॉज नॉट सेंट्रल टू द फर्स्ट टू फेज ऑफ द ताइवान गो साउथ पॉलिसी, इट हैज़ नाउ बिकम द इंट्रीगल पार्ट ऑफ द NSP, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ताइवान एंड वन चाइना पॉलिसी के बारे में यहाँ पे दिया है। ताइवान ऑफिशियली इसे रिपब्लिक ऑफ द चाइना बोलते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आर्मीज ने डिफीट किया था नेशनलिस्ट फोर्सेस कुमिनटोंग पार्टी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, और इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो प्रेजेंट चाइना जो मेनलैंड एरिया जो है जी जिनपिंग जिसके प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे जो
नेशनलिस्ट ने फोर्स हुए थे यहाँ पे, मतलब वो भाग गए थे टू ताइवान, रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ द ताइवान फ्रॉम चाइना इन 1949 में, एंड फॉर्मेशन हुआ था रिपब्लिक ऑफ द चाइना। बोथ साइडेड सेड दे रिप्रेजेंटेड ऑल द चाइना, मतलब दोनों ही मतलब बोलते हैं कि हम चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियली मेनी गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूएस रिकॉग्नाइज ताइवान सेपरेटली, बट विद द शिफ्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप यूएस हेल्ड वन चाइना पॉलिसी। यूएस ने भी मतलब एक्सेप्ट की थी वन चाइना पॉलिसी को। अकॉर्डिंग टू द वन चाइना पॉलिसी, एनी कंट्री विशिंग टू एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द चाइना पीआरसी मस्ट एक्नोलेज देयर इज ओनली वन चाइना एंड सर ऑल द फॉर्मल टाइज विद द ताइवान। मतलब जो फॉर्मल टाइज होते हैं ताइवान के साथ में, उसे मतलब छोड़ने के लिए बोलता है। एंड ताइवान इज़ नॉट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड WHO, मेंबर नहीं है बट इज़ अ मेंबर ऑफ द WTO का मेंबर है बाय द नेम चाइनीज ताइपाई, ताइपाई के नाम से मतलब इसे बोलते हैं ताइवान को। और 179 में से 193 मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ द UN डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद द ताइवान के साथ में। 179 मेंबर डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखते, ठीक है, सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में। अभी क्या हुआ 2021 में गोल्डन जुबली 50 साल हुए यहाँ पे, 1971 को इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, लेड टू द लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश की यहाँ पे निर्मित हुई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इन्होंने मतलब सपोर्ट किया था बांग्लादेश को मतलब आज़ाद होने के लिए। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एंड एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इमीजिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1971 को। और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तभी से मतलब स्टार्ट हो गए थे, ट्रेड रिलेशनशिप हुआ था। बांग्लादेश इज़ द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ एशिया, और एड्रेस करता है ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया एंड ऑफर करता है ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द मल्टीपल जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट है, एंड इज़ डेवलपिंग 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, मतलब 10 जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं बॉर्डर पे, वो डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। और यहाँ पे जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो भी अच्छा है। आर्म फोर्सेस बोथ द साइड रेगुलरली कंडक्ट करते हैं जॉइंट ड्रिल एक्सरसाइज, संप्रीति है, मिलान है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ने एक्सटेंड किया है 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू द बांग्लादेश फॉर द डिफेंस इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया के लिए, इंडिया से होने वाले डिपोन्स डिफेंस इम्पोर्ट। उसके बाद में कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बोथ द गवर्नमेंट आर रिस्टोरिंग द प्री 1965 रेल, सॉरी 1965 का जो रेल लिंक है, अदर कनेक्टिविटी लिंक है दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। और फॉर एग्जांपल रेल लिंक बिटवीन द हल्दीबारी इन इंडिया एंड शिलाहाटी बांग्लादेश में है। रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, वर्क ऑन द अखोरा अगरतला रेल लिंक अंडर वे है, ठीक है। बोथ द कंट्री हैव कमिटेड फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बांग्लादेश भूटान नेपाल एंड इंडिया BBIN जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है 2015 में, फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पैसेंजर पर्सनल एंड कार्गो व्हीकल ट्रैफिक अमंग द फोर साउथ एशियन जो नेम्बर है। बांग्लादेश आल्सो रिसेंटली ग्रांट किया है परमिशन टू द यूज इट्स इनलैंड रूट एंड जो पोर्ट ऑफ द चिटगोंग है एंड मोंगला फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स टू द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में भेजने के लिए यहाँ पे परमिशन दी है, ठीक है, मतलब ग्रांट किया है परमिशन जो इनलैंड रूट है जो रिवर पे होता है। उसके बाद में बांग्ला बॉर्डर मैनेजमेंट भी मतलब क्या है, इंडिया शेयर करता है लॉन्गर बॉर्डर विद बांग्लादेश, है ना। उसके बाद में जो रेटिफिकेशन है ऑफ द लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, लिमिटेशन ऑफ द मैरिटाइम बाउंड्री इन द बे ऑफ बंगाल 2014 में पीसफुली रेजोल्यूशन हुआ फॉर द लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो दोनों ही कंट्री के बीच में था। टूरिज्म बांग्लादेश में अकाउंट मोर देन 35% ऑफ द इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट एंड कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज रेवेन्यू फ्रॉम द मेडिकल टूरिज्म में ये बांग्लादेश ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है। जो 35% इंडिया है इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट है एंड जो कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ द इंडियाज रेवेन्यू फ्रॉम द मेडिकल टूरिज्म में। उसके बाद यहाँ पे इंफोग्राफिक्स में मैप दिया है, आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश का लोकेशन, ठीक है, और बांग्लादेश को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ दिया है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड PIWTT सेकंड क्या हुआ है एडेंडम टू द PIWTT साइन हुआ है विथ इंक्लूजन ऑफ द न्यू रूट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द न्यू पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल इंटरमीडिएट जो स्टॉप होते हैं
फॉर द शिप ऑन इट्स शेड्यूलरी ऑन इट्स शेड्यूल्ड जर्नी फॉर टेकिंग ऑन सप्लाईज ऑफ और फ्यूल्स। ये साइन हुआ था 1972 को, रिन्यू हुआ 2015 में फॉर द 5 ईयर्स के लिए, अंडर द विच इनलैंड वेसल्स ऑफ द वन कंट्री यहाँ पे ट्रांजिट होते हैं थ्रू स्पेसिफाइड रोड्स ऑफ द अदर, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राई लेटरल हाईवे IMTTH, ठीक है, ये ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर है, प्रपोज करता हुआ था टू कनेक्ट द मोरे इन मणिपुर एंड मे सॉट इन थाईलैंड। ये एक ग्रांट इन एड इनिशिएटिव है बाय द इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड इसका एम है ओपनिंग लैंड गेट टू द आसियान एंड बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये एक्सपेक्टेड है टू कम्प्लीटेड बाय 2021 को ये कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया ने प्रपोज किया एक्सटेंडिंग द हाईवे टू कंबोडिया लाओस एंड वियतनाम, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पे नीचे दिया है कि हाईलाइट्स ऑफ द रिसेंट वर्चुअल समिट जो हुआ था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी कोऑपरेशन बोथ द साइड एग्री हुआ टू वर्क टूवर्ड्स द फाइनलाइजिंग एंड डिलिनेशन ऑफ द फिक्स्ड बाउंड्री अलॉन्ग इच्छामती कालिंदी राय मंगोल और हरिभंगा एंड खुशी आरा रिवर्स। कनेक्टिविटी में यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ न्यू रिस्टोर रेलवे लिंक बिटवीन द हल्दीबाड़ी जो है इंडिया में एंड सिलहाटी बांग्लादेश में, सिंस इंडिया पाकिस्तान वार 1965 से ये डिफेक्ट हुआ था, मतलब ये रुक गया था। बांग्लादेश ने एक्सप्रेस किया है जो इंटरेस्ट दिखाया है ऑन गोइंग इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में और कॉपरेशन करने वाला है वाटर रिसोर्सेज पावर एनर्जी में, अंडरस्कोर द नीड ऑफ द अर्ली कंक्लूजन फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है ऑन शेयरिंग वाटर ऑफ द 6 जॉइंट रिवर्स है जो है मनु मोहरी खोवाई गुमती धारला एंड दूध कुमार, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीड हुआ है यहाँ पे टू एक्सपेडाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन एंड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे ये मैप में दिया है कौन कौन सी लोकेशन है और यहाँ पे कौन कौन से मतलब जो ये दिए क्या बोलते हैं लोकेशन आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चालू हुए हैं ना, सितवे से लेकर ये हल्दी तक ये कलाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है, इसके बारे में। सो इसे कंप्लीट कर देते हैं हम, ठीक है। सो अभी नेपाल ने अनवील किया न्यू पॉलिटिकल मैप, क्लेम कर रहा था जो कालापानी लिम्फूदरिया एंड लिफू लेक ऑफ उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोवरेन टेरिटरी के पार्ट है। सो समटाइम्स आपको पूछा जा सकता है कि मतलब वेस्ट से ईस्ट आपको मतलब ये लिम्फू दरिया पास है, फिर उसके बाद में ये काला पानी है, फिर लिपू लेक है। सो आपको ऐसे लोकेशन में आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। सो ये उत्तराखंड साइड में है ना, उसके बाद में यहाँ पे नेपाल लगता है। सो ये डिसएग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट इन द रीजन्स ऑफ कालापानी लिपू लेक एंड लिम्फिया धुरा, ठीक है। ऑल द थ्री इन द उत्तराखंड में है एंड सस्ता बिहार में है, ठीक है। कालापानी एरिया इस लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। ये 37,000 हेक्टर्स ऑफ द लैंड इन हाई हिमालयाज लोकेटेड है इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, और ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन द इंडिया चाइना एंड नेपाल। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है इन द साउथ एशियन डिप्लोमेसी का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैप तो देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर के बारे में यहाँ पे दिया है, शेयर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर लॉन्ग ओपन बॉर्डर है, मतलब वीजा वगैरह नहीं लगता है, रनिंग अलॉन्ग द वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार सिक्किम, ये यहाँ से टच करती है ये मतलब स्टेट, ठीक है। इट वॉज आफ्टर द पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 के बाद में इसे ये हुआ था, कंट्री ने इंक्रेज किया था वेल आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मली एक्सेप्टेड ओपन बॉर्डर बिटवीन देम। ओपन बॉर्डर मीन्स देर इज़ अ नो फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट पीपल फ्रॉम आइदर साइड, दोनों साइड से मतलब बिना रुकावट जा सकते हैं। बॉर्डर ओपन बॉर्डर हैज़ लेड टू द बेटर एंड सोशल ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज, लीड करते हैं व्हाट इज कॉल्ड
रोटी बेटी का रिश्ता, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मेंस में लिख सकते हो, रोटी बेटी का रिश्ता। सो यहाँ पे सस्ता इन बिहार इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंदक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और चेंजिंग करते रहता है कोर्स ऑफ द रिवर गंदक, ऑफन क्रिएटेड इशू करता है ये, फिर कभी कभी ऐसे बहता है फिर ऐसे बहता है। सो ये प्रॉपरली मतलब बॉर्डर डिसाइड नहीं हो पाती इससे। सो नेपाल कंसिडर करता है 1816 की ट्रीटी ऑफ सगोली, सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ट्रीटी ऑफ सगोली किससे रिलेटेड है, नेपाल और इंडिया से रिलेटेड है। साइन हुआ था बिटवीन द गोरखा रूलर काठमांडू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने साइन की थी एज ओनली ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंटेशन है ऑन द बाउंड्री डिलिनेशन, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सगोली ट्रीटी नेपाल लॉस्ट सिक्किम का पार्ट लॉस किया था, सिक्किम कुमाऊ गढ़वाल वेस्टर्न तेराई फ्लैट एरिया और रिवर मेची बिकम द ईस्टर्न बॉर्डर विद द इंडिया वाइल द रिवर काली कॉल्डम महाकाली इन नेपाल वॉज डिमार्केटेड एज द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। ट्रीटी सगोली ऑल्सो डिफाइंड गंदक एज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था। उसके बाद नेपाल कंसिडर करता है सोर्स ऑफ द काली रिवर नियर द लिंबुधारा विच इज़ द हायर इन एल्टीट्यूड दैन रेस्ट ऑफ द रिवर फ्लोज, दस ऑल द थ्री एरियाज लिंबुधुरिया लिपू लेक एंड कालापानी आर द कंसिडर टू बी टू द ईस्ट पार्ट ऑफ द रिवर काली। और इंडिया ऑन द अदर हैंड क्या बोलता है कि बॉर्डर बिगिन्स द कालापानी रिवर, कालापानी से बॉर्डर डिसाइड करता है इंडिया, विच इंडिया से इट इज़ वेयर द रिवर बिगिन्स, काली ओरिजिनेट इन द स्प्रिंग ऑफ द वेल बिलो द लिपू लेक पास एंड जो सिगोली ट्रीटी है डज नॉट डिमार्केट द एरिया नॉर्थ ऑफ दिस स्ट्रीम। सो ऐसा इंडिया का मतलब स्टांस है, ठीक है, कहना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, ये हो गया था एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखते हैं। पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, एक बाय नेशनल प्रोजेक्ट है, इसका एम है एट द एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑगमेंटिंग इरीगेशन इन इंडिया नेपाल। उसके बाद में ये प्रपोज करते हैं ऑन रिवर महाकाली नोन एज अ रिवर शारदा इन इंडिया वेयर द रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द नेपाल स्टेट ऑफ द उत्तराखंड इन इंडिया। ट्रीटी इसे बोला जाता है महाकाली ट्रीटी, जो पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट को है जो है, और जो कंसर्न करती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द महाकाली रिवर विच इंक्लूड द शारदा अरेज तानकपुर बैरेज। पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट वॉज साइन बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल 1996 में हुआ था। अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज कमला एंड बागमती मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, सप्ता कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट है, सुन कोसी स्टोरेज कम डाइवर्सन स्कीम है एंड करनाली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में यहाँ पे दिया है, ये जो ट्रीटी है अलो करते हैं नेपाली जो नेशनल होते हैं नेपाली नेशनल्स टू वर्क इन इंडिया, मतलब इंडिया में काम कर सकते हैं विदाउट अ वर्क परमिट टू अप्लाई द फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड द सिविल सर्वेंस एंड सिविल सर्विसेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द IFS IAS एंड IPS में, ठीक है, इसमें नहीं कर सकते, बाकी अदर सिविल सर्विसेज में ये अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अलो करते हैं नेपाली नेशनल टू ओपन बैंक अकाउंट एंड बाय करते हैं प्रॉपर्टी है। और अलो करते हैं नेपाल टू इंपोर्ट आर्म्स एंड अमुनिशन बाय टेरिटरी ऑफ द इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे वेव किया है इट्स राइट एंड अंडर द रेसिप्रोसिटी एज अ साइन ऑफ द गुडविल। इंडिया आल्सो साइन किया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द भूटान 1949 में एंड बांग्लादेश के साथ में 1972 में। सो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ये तीन कंट्री के साथ में, बांग्लादेश नेपाल एंड भूटान के साथ में, अलग अलग ईयर यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर मतलब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंडिया पाकिस्तान। सो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। सो इस पार्ट से मतलब हम सेकंड पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट मैं इस चैनल पर अभी अपलोड कर दूंगा। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट सजेशन आपको देने होंगे, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, UPSC परसिवरेंस 91 करके। और आप मुझे वॉलंटरी कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, यहाँ पे वॉलंटरी 7020454708, ठीक है, 7020454708 ये मेरा UPI है और ये Paytm नंबर भी है। आप यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कुछ कोई कंपल्सन नहीं है, बट आप अपने हिसाब से, ठीक है। सो हम ये मैगज़ीन पूरी कंप्लीट कर देंगे और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने नहीं देखी होंगे तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को मतलब मिलता नहीं है वीडियोस और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछते रहते हैं। बट मैं अगेन बता रहा हूँ कि मतलब मैंने प्लेलिस्ट बनाई है प्रॉपरली, आप चैनल को थोड़ा सर्च कीजिए UPSC परसिवरेंस करके,
और अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वैसे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम में वैसे मैं करता ही हूँ, ठीक है। सो मैं बिजनेस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो बहुत सारे इनिशिएटिव मैं यहाँ पर लाऊँगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।